लई खा ली, एक किटकैट ही भाई खा ली, एक भेरान वाली किटकैट ही भाई नहीं आई, क्रिस्पल भाई खा ली, हैंग थू खाई है। अम्मा क्या कर रहे हो? ये यहाँ पे सफाई कर रहे हैं गैराज में। तो तू काम करा, सब कुछ साफ कर। हम जा रहे हैं वापस यहाँ से। तो गाइस मतलब आज गैरेज की सफाई हो रही थी, दिखा तो कितना खाली हो रखा है। ये देखो गाइस कितना मतलब गाड़ियां सारी आगे हैं, सब पूरा मम्मी ने और हम लोगों ने सुबह खाली किया, उसके बाद पूरा धो दिया। ये देखो अभी कुछ कुछ दो चीज़ें पड़ी है और एक वो पड़ा है, बाकी पूरा मम्मी ने धो के साफ कर दिया। अभी सफाई कर रहे हैं ना दिवाली की। ये देखो पूरा खाली खाली कितना अच्छा लगता है, और सामान सारा बाहर पड़ा है। ये देखो एक स्कूटी भी पड़ी है वहाँ पर, दिखा था वहाँ पर साइकिल पड़ी है एक। तो ये देखो ये साइकिल और ये स्कूटी, ये स्कूटी इधर पड़ी, एक बाइक भी तो थी इधर टांग रही, वो उधर रख दी होगी ताऊ जी। ये साइकिल और ये स्कूटी थी ठेठ यहाँ पर पड़ी है। गाइस थोड़ा सा कल बर्थडे का केक बच गया था तो इस डब्बे में, तब ये खाते मैं और दीमा जी। और लो सर इत्सा खोलो, थोड़ा ही देना वैसे भी। फाइनल गाइस अभी गैराज में, और अभी शाम का टाइम है, हमने सारे सामान रख दिए हैं, मतलब जगह नहीं थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला टनने, तो मैं टाइम लैप्स लगा के रख देता, दिखा तो नहीं देखो पूरा जमा दिया। और अभी इतनी खाली स्पेस हो गई है ना, इतनी खाली स्पेस हुई जिसकी रख दी, और कचरा देखो बताता हूँ हमने कितना सारा कचरा बाहर रख दिया। बाकी वो देखो वो जो इतना सारा ना, ये सारा आटा लाए जो कि बेच देंगे, ठीक है, बहुत सारा लो वगैरह पड़ा तो वो बेच देंगे सारा। और यहाँ पर हमारे दिमाग जी अपने कॉलेज ले जाने के लिए ये केक बना रहे रसमलाई वाला, आजकल 2-3 दिन हुए लगातार केक बन रहा है, एक मैं स्कूल ले गया, एक घर पे बना दिया, और एक रिद्धिमा जी एक बेर रिद्धि टॉप बड़ी वहाँ खाई तो कौन। हाँ क्यों कौन खाई यार इतनी यार टॉप, यहाँ हैंग खा गए यार मम्मी, यार हैंग मम्मी हैंग टॉप यहाँ खा गए यार मम्मी, आती इस वाली डैडी ने तो खड़ा ही कौन आई थी छोटोड़ी खा गया, दो ही भी खा गया है खाली, छीन नहीं खाई अभी, देखो उसका हाल क्या करता, छीन की अठी आता किन पूछना हैंग टॉफिया खाई, झूठ मत बोल हैंग टॉफिया तू खाई है, मोटोड़ी 30 वाली वही तू खाली, वे दो छोटोड़ी 10-10 वाली थार कौन रखनी, डैडी रखनी, डैडी ने खड़ा नहीं, सारे टॉफी खा गए, मतलब डैडी के लिए एक दो रखी हुई थी, मतलब कल उन्होंने कुछ खाया नहीं था तो फिर वो भी खा ली इसने, चीनी सब खाना 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 ऐसे ही करती रहती है। तो गाइस आज बन रहा है खाने में शाम को ब्रेड पकौड़ा, दिखाते हैं रिद्धिमा जी बना रहे हैं, हमारे रिद्धिमा जी बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े। ये देखो ब्रेड कटिंग कर करके रख दिए, आलू का मसाला वो प्याज, उधर मम्मी रोटी कर रहे हैं चूल्हे पे, और ये क्या है ये बढ़िया की सब्जी। गाइस मुझे तो पता ही नहीं चला, और यहाँ पर चैन जी छुपके छुपके और शेक बना के पीने भी वाले थे, ये देखो और इसके अंदर दाल भी दी, तब मैं आया, मैं यहाँ पर चाय लेकर आया, मैंने कहा और वो कर क्या रहे, तो चाय पी रहे ना। नहीं हम आप फ्रिज में रख देना, मैं खा लेंगे पी लेंगे हम, आप चिंता मत की। तो बस वही सिंपल सा, और भी कुछ इसका आइसक्रीम होते मजा आ जाता क्या है। अच्छा हर्षी वाला डालेंगे तो थोड़ा सा हमको भी चुकरी करने का मौका दीजिए, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। अबे यार भंडारा है ये, तो अबे भी देखने का मौका है। सिद्धू क्या सिद्धू क्या कर रहे हो, उठे थोड़ा सा लियो वो थागन, एक पैकेट बेर है तो मैंने एक हाजी दे दे, ले ले जूरो तो ले रही है तू, एक हाजी दे दे मैंने बिस्कुट, और एक दे दे मम्मी, इतनी कितनी बिस्कुट खा फाड़े आ तो 2-3 मस्त बना एकदम जाते जाते, तो मैंने एक देते बिस्कुट में, एक देते बिस्कुट, अरे नहीं थे शांति का तो मैं बना दो। हाँ मैं दो दे दे चल, कई कर यार मांगे जितने कम मैं खा रहा हूँ, पीना वाह शेक पैकेट ही को नहीं बोली वाली वो जो शेक रो पैकेट था, अरे यार
एक एक अच्छा सा शेक बनाना है। आधी और दे दे, चल आधी मांग। हाँ ठीक है, आधी तू खा ली। फिटस फिटस आवा रे, पूरी खा। चलो गाइस अब चाय के साथ खाएंगे। ओरियो